भी याद आती हो जो बहुत सुंदर तरीके से दर्शाई गई हो, पिता और पुत्र के संबंधों को लेकर? कोई नहीं, मेरे को बहुत सारी है, लेकिन इमीजिएटली जब आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव याद आती है, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की, वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसमें अक्षय कुमार जब रोए थे मुझे अच्छा लगा था, नहीं तो अक्षय कुमार जब रोते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, ही कांट क्राई वेरी वेल, बट इन दैट फिल्म आई लाइक द वे ही क्राइड. अमिताभ बच्चन तो ऑफकोर्स इज एन ऑल टाइम ग्रेट एक्टर, लेकिन उस वो फिल्म मुझे इसलिए याद आई बिकॉज अक्षय कुमार जब रोए थे एक्चुअली ऑडियंस को रुलाया था उन्होंने. Yes, yes, Vakt, yes, very true. My all-time favorite, I first of all, I love films which deal with father and son dynamics. My favorite is Shakti. I think Dilip Saab and again, Amit Saab ka that combo, even today when I watch it, and I'll, you know, it gives me goosebumps. Very few people know that the film was actually based on a Marathi play, which I got to know recently. Oh, even I didn't know this. Yeah, even I didn't know this. I got my writer told me this. It was based on a Marathi play called Rayagadala Deva Jaag Yete. It was about Shivaji and Sambhaji's relationship. Achha. And the movie was based on that. Okay. So I think Salim Jaweed is one of the finest scripts. And performance-wise, both Dilip Saab and seeing them together in one frame was just unbelievable. Incidentally, iski baat chal rahi hai, Shakti ki baat chal rahi hai, to Shakti ke... Mysore territory के distributor मेरे dad थे. अच्छा. After a long time, dad और sir के जो relationship को दर्शाया गया, काफी लंबे वो के बाद आ रहे हैं मेरे ख्याल से. Correct. क्या देखते हैं कि ऐसी इस तरह की movie बननी चाहिए अभी? Well, कहानियाँ हर तरह की कहानियाँ बननी चाहिए, and I'm sure like आप कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा कि काफी दिनों के बाद ऐसी film आ रही है. But yeah, interesting stories with interesting relation dynamics should definitely be told. Are you looking forward to direct some movies or? Of course, yeah. I would love to do something with this kind of a dynamic for sure. Sir, one more question. सेम मैंने जो कहा ना, मेरे पिताजी बहुत मुफट हैं. काश का नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, बट नहीं नहीं, आई थिंक आई एम टू डिप्लोमेटिक. वही वो जो किस्सा मैंने सुनाया, उनके जितना ठहराव मुझ में नहीं है. मतलब मुझे याद है राजकुमार संतोषी जी के सिस्टर की वेडिंग थी, वहाँ पर ये किस्सा हुआ था. फिल्म सेंटर के जो ओनर थे रमेश पटेल, गॉड ब्लेस हिज सोल, नोमो, वो भड़के थे मेरे पापा पर, बिकॉज हमने एक आइटम लिखा था जहाँ पर मुकुल आनंद ने ये कहा था कि फिल्म सेंटर अब धोबी घाट की तरह हो गया है. तो फिल्म सेंटर वाले रमेश पटेल ने मेरे पापा को बहुत सुनाया, एंड पापा जस्ट केप स्माइलिंग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. आई ब्लू अप एंड आई सेड, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट एंड ऑल. अभी मैं उतना एक्साइट नहीं होता हूँ, लेकिन जितना ठहराव मेरे पापा में था, उतना ठहराव अभी भी मुझ में नहीं आया है. जी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है फादर सन रिलेशनशिप में. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे के साथ दोस्त रहना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर डैड, एंड एज अ डैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर सन. और इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, द फादर सन रिलेशनशिप. आई थिंक सबके साथ एवरीबडी, इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट रिलेशनशिप. और सबके लिए हमारे फादर एक भगवान की तरह होते हैं, गॉड की तरह होते हैं, हम सब उनको वर्शिप करते. आई थिंक एवरीबडी वर्शिप्स देयर फादर, दे हैव दिस गुरु, दिस सॉर्ट ऑफ सॉरी लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ भगवान को जैसे आप वर्शिप करते हो, मैं अपने पिताजी को वैसे वर्शिप करता हूँ. तो फादर सन रिलेशनशिप मेरे ख्याल से सबसे ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है. ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही सारे गुण हैं. मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा एक गुण तो है कि वो बहुत मेहनत करते हैं अपने क्राफ्ट पे, और कंसिस्टेंटली एज एन एक्टर बहुत अपने रोल को हर चीज़ में, जैसे हम थिएटर करते हैं साथ में, तो जब भी हम साथ में थिएटर करते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं. तो वो उनका एक गुण, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इस गुण को अपने काम में भी अप्लाई कर सकूँ, और मैं वो लेवल पे रीच कर सकूँ जहाँ पे मैं भी इतना मेहनत कर पाऊँगा. सर,
कुछ आज आप कन्फेस करना चाहें कि एक कोई सीक्रेट बताना चाहें अपने व्यूवर्स को कि डैडी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था और एक दिन ऐसा भी कुछ हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है, इंसिडेंट कोई भूलने गए हो या कोई ऐसी कोई बात कह दी, कोई मैसेज? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ. हाँ, एक दिस थिंग आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत अपने स्टडीज़ के साथ लेकर वो काफ़ी मुझे मदद करते थे. तो जैसे हिंदी था, हिस्ट्री था, इंग्लिश लिटरेचर था, ये सारे विषयों सब्जेक्ट्स तो मैं उनके साथ जाके बैठता था और वो बहुत मदद करते थे. तो कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती थी, वो गुस्सा नाराज़ भी होते थे क्योंकि मैं ठीक से मैथ्स पे नहीं पढ़ रहा था या हिंदी में ठीक से नहीं पढ़ रहा था. तो बहुत मज़ा भी आता था, एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते थे और वो सिखाते भी थे मुझे अपने पढ़ाई में. तो पढ़ाई में बहुत आई थिंक मज़े आए साथ में, क्योंकि और ऑल्सो उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब मैं थिएटर शुरू किया मैंने उनके साथ जब थिएटर, तो वो थिएटर करने का भी सबसे कमाल का एक्सपीरियंस था कि इतना सीखने को मिला. और आई थिंक पहली बार मैं ठीक से एज एन अडल्ट उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि बचपन से मैं थिएटर किए जा रहा हूँ उनके साथ. एक प्ले है उनका वेटिंग फॉर गॉड, जिसमें एज अ चाइल्ड आई वाज देयर. तो जब कॉलेज के बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब मैं पहली दफ़ा उनके साथ एज एन अडल्ट काम करने के लिए गया, तो वो बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस था. और नसीर साहब की कोई भी बहुत बेहद खूबसूरत जो आप हमेशा याद आती हो और आपने कई बार देखी? बहुत सारी, एक्चुअली बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मेरे फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट इज़ जलवा, देन मासूम, एंड इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ओल्ड फिल्म ऑफ इज कॉल्ड एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वो भी एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है उनकी. तो लेकिन बहुत सारी फिल्में, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन रिमेंबर दीज थ्री आर माई थ्री फेवरेट विच आई कैन रिमेंबर राइट नाउ. ये तो आपकी फेवरेट थी, लेकिन अगर आपको मौका मिले कुछ रीमेक करने का अपने पिताजी की फिल्म को, कोई कौन सी आप रीमेक करना चाहेंगे? आई जी, रीमेक तो मैं करना चाहूँगा इस फिल्म को, हीरो हीरा लाल. आई थिंक दैट फिल्म रियली नीड्स टू बी रीमेड, इट अ सुपर्ब स्टोरी, बहुत बढ़िया कहानी है वो. और आई थिंक फिल्म का फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त है, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ उस फिल्म का ज़बरदस्त है. तो आई थिंक वो फिल्म को रीमेक करना चाहिए. How would you rate yourself being a son? कितना out of 10, कितना देंगे? अरे वो तो वो आपको बोलना पड़ेगा वो, क्योंकि मैं अभी बस कोशिश, मेरी ये उम्मीद है, इच्छा है, कोशिश है कि मैं अपने पिताजी को प्राउड बनाऊँ अपने काम के साथ और अपने करियर के साथ. तो ये कोशिश चल रही है अभी अभी. कितना मैं उस पर रेट कर सकता हूँ वो तो आप लोग, ऑडियंस को, पब्लिक को ही बताना पड़ेगा. ओके, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कोई भी एक सीक्रेट जो आपके पापा आपके बारे में ना जानते हो आज आप बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पापा एक बार ऐसा दिख गया समथिंग, आई थिंक उनको पता नहीं है कि मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मैं छुप के सिगरेट पीता हूँ उससे अभी पता चल गया. लेकिन ठीक है यार, अभी मैं 26 साल का हो गया हूँ यार, अभी तो अलाउड है. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. One second, sir. You want a selfie? Yeah. Hello. Yeah. Guys, please roll. Rolling. Action. Roll. तनुसर, क्योंकि इस शिप के कैप्टन आप हैं, तो कैसी नाव चली और कौन सा दिक्कत है? नाव बहुत ही अच्छी चली, स्मूथली चली एक्चुअली. फॉर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए इतनी स्मूथ ढंग से फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी मेरी और अरविंद सर केम ऑन बोर्ड, सारा अच्छा खासा निकल गया और फिल्म भी बहुत ही अच्छी स्वीट फिल्म निकल गई है. वो मैं टून में पढ़ता था, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे हम लोग, छः साल हमने साथ में बिताया देहरादून में. तो ये वो उन दिनों के बारे, ये ओमाज के बारे में है जब हम लोग दिल्ली से देहरादून कभी ये स्कूल पार्टी की तरह से आते थे, मेरे डैड कभी कभार मुझे छोड़ते थे, हम लोग ने स्कूल में जब टाइम बिताया था तो हम लोग भी कुछ मटर कश्ती करते थे वहाँ पर बैठ के. तो वो सब, उन सब चीज़ों को ऐसे मैंने डाला है. सो ये आपकी पहली फिल्म है, इसके पहले भी आपने कुछ डायरेक्ट किया था, असिस्ट किया? यहाँ इंडिया में पहली है, मैं यूएस में पहले 4 साल था, मैंने वहाँ पर बिग बैंग थ्योरी करके एक शो है उस पर मैंने काम किया था, फैमिली गाय करके एक एनिमेटेड टीवी शो है उस पर भी मैंने काम किया था. 4 साल वहाँ पर पढ़ा मैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद फिल्म डायरेक्शन में मेरी डिग्री थी, उसके बाद सोचा कि मैं वापस इंडिया आ जाऊं क्योंकि सब यहीं पर है और फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है इसके हिसाब से.
सो तो मैंने सोचा कि मैं वापस इंडिया में आके फिर काम दिल के करीब थी तो जो कहानी बोलने का मन था वही बोल दिया मैंने. देखिए ऑडियंस को कैसे, क्योंकि मैं फेजेस के थ्रू जाता हूँ कि मुझे अब ये कहानी बोलनी है वो करना है, तो मैंने सोचा कि मैं यही. और प्लस बाहर विदेश में चार साल रह के जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरे को स्कूल की याद आती थी, दोस्तों की याद आती थी, वो ट्रिप्स की याद आती थी, तो उसी नॉस्टैल्जिक मोमेंट में था, तो मैंने इसलिए मैंने यही कहानी उठा के बना दी. अब को मेरी डिग्री फिल्म डायरेक्शन में है, तो मैं बहुत निटी ग्रिटी ढंग से काम करता हूँ. मैं पेंटिंग में करता हूँ, तो मैं स्टोरी बोर्ड करके बैठ के मैंने स्टोरी बोर्ड किया पूरे मूवी का, स्क्रिप्ट को पॉलिश किया वहाँ पर बैठ के. उसके बाद मेरी मूवीज़ हमेशा मैं सोचता हूँ कि पहले मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँ फिर मैं एक्टर को अप्रोच करूँ. तो जो फादर का फिगर था जो मेरे दिमाग में और जो इमेज थी वो अरविंद सर से काफ़ी एक्चुअली मैच किया था. जो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से हम लोग ने बैठ के बात की तो पहला नाम और सर को हम लोग ने अप्रोच किया और फॉर्चुनेटली सर ने हाँ कह दिया और फिर फिल्म बन गई. क्योंकि टाइटल में डैड है तो कितने रियल इंसिडेंट्स देख पाएंगे आपकी लाइफ में जो आप इसमें, छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं इसमें, सच एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे डैड मेरे को एक बार छोड़ रहे थे, तो मुझे उस दिन पता लगा कि मेरे डैड बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन थे अपने स्कूल में, वो भी बोर्डिंग स्कूल में गए हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे एक्चुअली. और उस दिन उनको भी पता लगा मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था एक्चुअली बाद में, बिकॉज आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर डैड लाइक ओ आई एम सीइंग दिस गर्ल राइट नाउ एंड आई माइट बी टेकिंग हर आउट फॉर डिनर, लाइक व्हेयर यू गेटिंग द मनी फ्रॉम ब्रो. Which when was this? Which class? अच्छा तो एससी फॉर्म 12th में. ये देखो इनके रिलेशनशिप हिस्ट्री भी आ रही है क्या. No, but things like that are there in the movie. जब बाप बेटों के बीच में बॉन्डिंग होती है, एक बार वो बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें. और जैसे स्कूल में हम लोग remember when we locked stuff in Barrett's the dog. अरे अरे अरे. So there's something like that in the movie. The kids play prank on the teacher. So that's तो हम लोग के उन moments को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर फिर repeat करने की कोशिश की. और यहाँ पर